मैंने उनको वार्निंग तो दी। ओके सो आज बेटे हमने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है, और ये आप लोगों को बहुत बुरा लगता है लेकिन इसमें से बहुत सारी चीजें आती हैं, और अगर आप ऐसे इसको अच्छे तरीके से लाइक डिवाइड करके पढ़ोगे तो इसमें मुश्किल कोई चीज नहीं है, ठीक है। सो यस, पहले आपको पता है कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक आई का जो ओवरव्यू है उसके बारे में बात हो गई थी, ठीक है। ओवरव्यू के बाद बेटे हमने सबसे पहले जो आपको बताया यहाँ पे क्या होती है, आपकी आईलेट्स होती हैं, सही है। ये समझ लो फॉर एग्जाम्पल आईलेट्स है, तो हमने क्या पढ़ा, आईलेट्स के बारे में पढ़ा। आईलेट्स के बाद बेसिकली हम लोगों ने लैक्रिमल सिस्टम के बारे में सारा पढ़ा, क्योंकि लैक्रिमल सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट था, और उसमें से जो है वो टीयर्स की प्रोडक्शन है, जिससे कॉर्निया की फिल्म मेंटेन हुई है, ड्रेनेज, ठीक है। तो आइडियली जो थर्ड चैप्टर हमें पढ़ना चाहिए था वो कंजेक्टाइवा था, एंड कंजेक्टाइवा के बाद हमने कॉर्निया एंड देन स्क्लेरा पढ़ना। ये पांचों चैप्टर करके ना फिर आपकी रिविजन कराऊंगी और इन पांचों चैप्टर का टेस्ट लूंगी, फिर हम आई के अंदर जाएंगे, सही है। वैसे अभी भी आप लोग को मैक्सिमम टाइम मिलता है, मैक्सिमम टाइम आपको मिलता रहा है कि आपको आईलेट के बाद भी मैंने 2 दिन दिए कि इसकी टेस्ट दें, लैक्रिमल एपरेटस के बाद भी आपको 2 दिन मिले कि इसका टेस्ट दें, कॉर्निया के बाद भी मिले। स्टिल अभी मैं आपको कंजेक्टाइवा कराऊंगी और फिर उसके बाद हम स्क्लेरा करेंगे, तो ये पांचों चैप्टर आप दोबारा रिवाइज करके इसके केसेस भी करेंगे और मुझे टेस्ट भी देंगे। सो आज जो चीज हमने पढ़नी है वो कंजेक्टाइवा है। अब कंजेक्टाइवा बेसिकली पता क्या होता है, ये जो आईलेट हमने पढ़ी थी ना, हमने कहा आईलेट है, और आईलेट के मैंने आपको कहा था ऐसे कोई पकड़ के उल्टा दे आईलेट, तो वो जो अंदर से वो रेडनेस एरिया नजर आता है ना आपको, जो लोग बच्चे बचपन में ऐसे उल्टा देते हैं, दैट इज कंजेक्टाइवा। यानी जो आईलेट की इनर मोस्ट लेयर हम लोगों ने पढ़ी थी, म्यूकोक्यूटेनियस या क्या लेयर थी, उसके अंदर जो स्टार्ट हो रहा था वो आपका कंजेक्टाइवा था। तो आईलेट को इंटरनली ऐसे जो कवर कर रहा है ये कंजेक्टाइवा है। फिर ये कंजेक्टाइवा ना ऐसे करके फोल्ड लेता है, इसके तीन पोर्शन होते हैं, एक वो जो आईलेट को कवर करता है, एक वो जो ऐसे करके फोल्ड लेगा, और फोल्ड लेके ये आपके ग्लोब को बेसिकली इंटीरियरली कवर करता है टिल योर लिम्बस, ठीक है। ये जो लिम्बस है यहाँ तक, तो मैंने कहा आईलेट को ऐसे कवर करेगा, फिर ये अंदर से ऐसे फोल्ड ले रहा होता है और आपकी आई ग्लोब के ऊपर तक आ रहा होता है। तो बेसिकली इसका जो मेन मकसद होता है ना वो ये होता है कि ये आपकी जो आईलेड है, आईलेड को और आपका ये जो पीछे सारा ग्लोब है, ये आईलेड और ग्लोब को आपस में अटैच कर रहा होता है, ठीक है। और भी इसके बड़े इंपॉर्टेंट रोल हैं, भी बार बार हम देखेंगे, लेकिन दिस इज बेसिकली योर कंजेक्टाइवा। अब इसकी लोकेशन के ऊपर इसके तीन पॉइंट्स हैं, वो जो कि आईबॉल को कवर करता है, वो जो कि फोल्ड ले रहा होता है, और वो जो कि कॉर्निया के ऊपर या ग्लोब के ऊपर इंटीरियरली आ रहा होगा वो। तो ये एक थोड़ी सी बात आपने समझनी है कि जो कंजेक्टाइवा है वो क्या है, और फिर हम कंजेक्टाइवा में आगे क्या पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ी सी इसकी एनाटॉमी की बात करते हैं जैसे आपकी बुक में लिखी हुई है, और एनाटॉमी के बाद फिर हम लोग इसकी कंडीशन पे चलते हैं जो आपका मेन कंसर्न होता है। तो कंजेक्टाइवा के बारे में वो क्या कहता है, कंजेक्टाइवा के बारे में वो कहता है बेसिकली ये एक थिन ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये जो थिन ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन है, इसका बेसिक काम ये होता है कि ये आपकी आईलेट की इनर सरफेस को कवर करती है। जैसे मैंने यहाँ पे समझाया कि आईलेट को क्या कर रही होती है, इनर सरफेस को कवर करती है, और फिर ये जाके रिफ्लेक्ट बैक होती है, वापस आती है कहाँ पे, आपका जो ग्लोब है उसके इंटीरियर पोर्शन में, टिल लिम्बल जंक्शन, ठीक है। सो ग्लोब के ऊपर भी ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही होती है। अब सेकेंड चीज जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम लोग कंजेक्टाइवा के पार्ट्स की बात करेंगे तो वो कहता है हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर वन बेटे हम कहते हैं हमारे पास होता है प्लेब्रल कंजेक्टाइवा, ठीक है। नंबर टू जो है उसको हम लोग कहते हैं फॉर्निसल कंजेक्टाइवा, और नंबर थ्री जो होता है उसको हम कहते हैं बल्बर कंजेक्टाइवा। सो हमने कहा क्या है, प्लेब्रल कंजेक्टाइवा है, नंबर टू हमने कहा कि फॉर्निसल कंजेक्टाइवा है, एंड देन बल्बर कंजेक्टाइवा है। ये जो प्लेब्रल कंजेक्टाइवा होता है आपकी आईलेट को कवर करता है, ये जो फॉर्निसल है ये इस टर्न को कहते हैं, एंड देन जो बल्बर है वो आपकी ग्लोब को इंटीरियरली कवर कर रहा होता है लिम्बल जंक्शन तक, ठीक है। सो जो प्लेब्रल कंजेक्टाइवा है ये आईलेट को कवर कर रहा होगा, ये बेसिकली उस टर्निंग पॉइंट को कहते हैं जहां से उसने रिफ्लेक्ट बैक होना है, एंड बल्बर कंजेक्टाइवा आपकी जो आई है, ग्लोब है, जो कॉर्निया और स्क्लेरा के अगला पोर्शन है टिल लिम्बल जंक्शन, उसको क्या कर रहा होता है, कवर कर रहा होता है, ठीक है। अब बाकी इसकी थोड़ी बहुत इन्हें लिखी हुई है कि ये फिर्मली एडहेरेंट होता है टू द टार्सर्स, और ये मोबाइल होता है, इसके अंदर म्यूलर मसल्स एंड ग्लैंड आ जाते हैं, और ये भी फिर्मली मूवेबल होता है, और टेनन कैप्सूल के साथ
वो करता है, फ्यूज हो जाता है, लेकिन ये सारी बातें आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं रखती। आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंस रखता है या जो आता है, दैट इज कंजेक्टिवाइटिस, जो भी हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन एनाटॉमी के लिए भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब साथ ही बैठे उसने दोबारा से इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया है, बहुत यहाँ पे जो लिखा हुआ है पेशा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि वो कहता है कि आपने अगर ये कंजेक्टिवा की एक मेम्ब्रेन है ना बेसिकली, अगर आपने इस मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझना है, तो नंबर वन ये कि इसके अंदर क्या होता है, एपिथीलियम होता है, और नंबर टू वो कहता है कि इसके अंदर ना स्ट्रोमा होता है। ठीक है, अब ये जो एपिथीलियम है इसके बारे में बताता है कि ये नॉन क्रेटिनाइज स्क्वैमस एपिथीलियम होता है आपके पास। ठीक है, सो नॉन क्रेटिनाइज स्क्वैमस एपिथीलियम होता है, और ये तकरीबन 2 to 5 layers जो है वो थिक कंड होता है। सही है, बाकी इसकी थिकनेस वगैरह वेरी करती है। एपिथीलियम के अंदर गॉबलेट सेल्स वगैरह भी होते हैं। और अगर हम स्ट्रोमा की बात करेंगे, तो स्ट्रोमा में बेटे आपने याद रखना है 2 layers होती हैं, एक एडिनाइड और नंबर टू हमारे पास फाइब्रस लेयर होती है। जो एडिनाइड लेयर होती है ना, इसमें मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स वगैरह होते हैं। इसका मतलब है ये हमारी आई की इम्यूनिटी के साथ कोई ना कोई रिलेशन रखती है। और जो फाइब्रस लेयर है ये काफी ज्यादा डीपर लेयर होती है, मैशवर्क है ये कॉलेजन का, और इसके अंदर इंपॉर्टेंटली क्या पड़ी हुई होती है, ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होती है, म्यूलर मसल्स होता है, और लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं। सही है, अब अगर हम कंजक्टिवा के ग्लैंड्स की बात करेंगे, तो कंजक्टिवा के ग्लैंड्स को वो कहता है 2 तरीके से। नंबर वन बेटे, इसके अंदर एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, ग्लैंड ऑफ क्रूज होता है और ग्लैंड ऑफ वॉल्फरिंग होता है। क्या काम है इन दोनों का? ग्लैंड ऑफ क्रूज और वॉल्फरिंग क्या करते हैं? एसेसरी ग्लैंड्स का क्या काम है बेटे? एसेसरी ग्लैंड मैम जो रिप्लेस के जरिए एक्टिवेट हो जाती है, और बेयर ग्लैंड वो ये जो प्रोडक्शन नॉर्मल में रिप्लेस इन्वॉल्व, ठीक है, बेजल टीयर ग्लैंड प्रोडक्शन है। थोड़ा है, वेरी गुड। और दूसरा वो कहता है कि इसके अंदर म्यूकस ग्लैंड होते हैं, म्यूकस ग्लैंड के अलावा वो कहता है इसके अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं, ग्लैंड ऑफ हेनले होते हैं, और ग्लैंड ऑफ मेंज होते हैं। तो आपको याद है कि ये जो ग्लैंड ऑफ हेनले है या ग्लैंड ऑफ मेंज है, ये हमने कहाँ पढ़ा था, किस चीज में इंपॉर्टेंट होते हैं, ये किस चीज की म्यूकस लेयर बनाते हैं, ये टीयर फिल्म की, टीयर फिल्म की एक इनर लेयर थी ना, म्यूसिन लेयर, म्यूकस लेयर, जिसको हमने कहा था कौन बनाता है, ग्लैंड ऑफ हेनले और ग्लैंड ऑफ मेंस। तो ये जो ग्लैंड्स हैं जो टीयर फिल्म और टीयर की प्रोडक्शन करते हैं, बेसिकली ये कंजक्टाइवा का पार्ट होते हैं। ठीक है, सो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब है कंजक्टाइवा जो है वो हमारी इम्यूनिटी के साथ भी ताल्लुक रखता है, कंजक्टाइवा टीयर प्रोडक्शन के साथ भी ताल्लुक रखता है, और कंजक्टाइवा आपकी टीयर फिल्म स्टेबिलिटी के साथ भी इंटरेक्ट करता है। और ये सारी चीजें अभी हमने देखनी है। ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई में कोई बात भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कहता है कि इसको कुछ इंटीरियर कंजेक्टाइवल वेसल्स होती हैं, और इसी तरह इंटीरियर कंजेक्टाइवल वेसल्स होती हैं वो इसको ब्लड सप्लाई दे रही होती है, और वेन्स कंजेक्टाइवा से वीनस प्लेक्सेस ऑफ आईलिड में या इंटीरियर सिलरी वेन में जा रही होती है। नर्व सप्लाई भी बेटे इसको आपके पास मोस्टली लॉन्ग सिलरी नर्व सप्लाई करती है। हाँ, अब इसके लिम्फ नोड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम आगे जाके देखेंगे कि हर कंजेक्टाइवस में ऑलमोस्ट पेशेंट जो है वो प्री ऑरिक्यूलर लिम्फ एडिनोपैथी के साथ आ रहा होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि प्री ऑरिक्यूलर लिम्फ नोड किसका ड्रेनेज एरिया है। ठीक है, तो इसका मोस्टली जो लेटरल पार्ट है वो आपने याद रखना है, प्री ऑरिक्यूलर लिम्फ नोड में ड्रेन होता है, और जो मीडियल पार्ट होता है वो जाके ड्रेन हो रहा होता है सब मैंडिब्यूलर लिम्फ नोड में। चाहिए, अब अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, फिर हम इसका वो सारा स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन बेटे यही है कि इसने आईलेट को आपकी ग्लोब के साथ जोड़ना है। ठीक है, नंबर टू, इसने टीयर की प्रोडक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, एसेसरी ग्लैंड इसका पार्ट होते हैं। नंबर थ्री, हमने कहा कि ये टीयर फिल्म को मेंटेन भी करता है, क्योंकि ये टीयर फिल्म की एक लेयर की प्रोडक्शन में इसके ग्लैंड इन्वॉल्व है। नंबर फोर, मैंने कहा कि इसके पास एक ऐसी लेयर है जिसके अंदर मैक्रोफेजेस है, लिम्फोसाइट्स है, तो ये इम्यून सर्वेलेंस भी करता है, और ये पेरिफेरल कॉर्निया को न्यूट्रिएंट्स वगैरह की सप्लाई भी कुछ ना कुछ दे रहा होता है। ठीक है, कॉर्निया, ये बेटे बात होगी वैसे ओवरऑल कंजेक्टाइवा की। कंजेक्टाइवा क्या है? थिन ट्रांसपेरेंट म्यूकस की लेयर है जो इनरली आईलेट को अलाइन करती है और यहाँ तक आ रही होती है। ठीक है, फंक्शन भी समझ आ गया, पार्ट्स भी समझ आ गया, एपिथीलियम होता है, स्ट्रोमा होता है, वगैरह वगैरह। अभी ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से स्टार्ट होती हैं। इंपॉर्टेंट चीजें ये स्टार्ट होती हैं कि इस पूरी चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ना है, कंजक्टिवाइटिस पढ़ना। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस नाम से आपको टर्म समझ आ रही है कि हमने बेसिकली ये बात करनी है कि आपका जो कंजक्टिवा है ना, उस कंजक्टिवा की क्या हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई। अब ये जो इन्फ्लेमेशन है बेटे, इस इन्फ्लेमेशन की बहुत सारे कॉजेज है। आपने ना अपने पास एक टेबल बनाने हैं, ताकि ये 15-20 pages का चैप्टर एंड पे 3-4 pages का रह जाए। उन टेबल्स में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक सेकंड,
अच्छा, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसमें हमने कंजक्टिवाइटिस पढ़ना है, ठीक है। अब कंजक्टिवाइटिस का बेसिक मतलब क्या है कि इन्फ्लेमेशन हुई हुई है कंजक्टाइवा की, यही मतलब है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बेटे हम कंजक्टिवाइटिस को बहुत सारी वेज में क्लासिफाई कर देते हैं, सही है। सबसे पहले वो कहता है कि चलो हम लोग बात करते हैं कि कंजक्टिवाइटिस को इटियोलॉजी की बेस पे अगर क्लासिफाई किया जाए तो इटियोलॉजी की बेस पे बेटे ये दो तरह का होगा। हम कहेंगे कि या तो ये हमारे पास माइक्रोबियल कंजक्टिवाइटिस है लाइक केराटाइटिस, ठीक है, या हम कहेंगे कि नॉन माइक्रोबियल कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है। अब जो माइक्रोबियल कंजक्टिवाइटिस है यानी माइक्रोब्स की वजह से हुआ हुआ होगा, उसमें जाहिर है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस आएगा, वायरल कंजक्टिवाइटिस आएगा, या हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्लैमिडियल कंजक्टिवाइटिस होता है या फंगल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, यही हो सकता है ना। नॉन माइक्रोबियली आपका कंजक्टाइवा क्यों इन्फ्लेम्ड होगा, नंबर वन बहुत इंपॉर्टेंट अगेन इसमें आएगा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है ना पोलन से, इधर उधर कहीं करेले काट लें, कुछ कर लें, ये कर लें, वो कर लें, आंखें रेड हो जाती है, सही है। सो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में इन्फेक्शन नहीं होता लेकिन इन्फ्लेमेशन होती है। इसी तरह कुछ ऑटो इम्यून कंजक्टिवाइटिस पढ़ेंगे जिसमें आपका कंजक्टाइवा इन्फ्लेम्ड हो जाता है। केमिकल कंजक्टिवाइटिस होता है केमिकल्स की वजह से, एक्सपोजर की वजह से कंजक्टिवाइटिस हुआ है, या टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस है, ये भी पढ़ेंगे कि कुछ टॉक्सिन्स की वजह से, लेकिन जाहिर है वो माइक्रोबियल इन नेचर नहीं थे। तो पहली क्लासिफिकेशन इसकी क्या है, इटियोलॉजी की बेस पे आइदर माइक्रोबियल कंजक्टिवाइटिस और नॉन माइक्रोबियल कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। नंबर टू बेटे, जब ये पेशेंट आता है ना हमारे पास तो इसकी आंखों में से ना जाहिर है कुछ ना कुछ बह रहा होगा, एक्ज्यूडेट तो होगा। अब वो वॉटरी डिस्चार्ज हो सकता है, पर्लुएंट हो सकता है, म्यूकोपर्लुएंट हो सकता है, ठीक है। हम एक्सुडेट की बेस के ऊपर इसको डिवाइड करते हैं और यहीं से हम बेसिकली अपना केस जो होता है ना वो पिक कर रहे होते हैं। तो वो कहता है एक्सुडेट को हम तीन चार टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। नंबर वन, हम कहते हैं कि पेशेंट आ रहा है हमारे पास वॉटरी डिस्चार्ज के साथ, तो क्या हो सकता है, वो कहेगा एक पेशेंट था उसको किमोसिस थी, कंजेशन थी, वॉटरी डिस्चार्ज था, इनलेस योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस और योर एक्यूरेट डायग्नोसिस बनाए। तो वॉटरी डिस्चार्ज बेटे आपने याद रखना है क्लियर कट इंडिकेशन होती है वायरल कंजक्टिवाइटिस की। वॉटरी डिस्चार्ज कब होता है, मोस्टली वायरल कंजक्टिवाइटिस में या एक्यूट एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में, जो हमने यहाँ देखा, क्रॉनिक नहीं कहा मैंने, एक्यूट कहा है, या आपके पास जो टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस है उसमें भी वॉटरी डिस्चार्ज है। तो आंखों से पानी, वॉटरी डिस्चार्ज कब आता है, वायरल, एक्यूट एलर्जिक या टॉक्सिक में, ठीक है। नंबर टू बेटे, वो कहता है कि आपके पास क्या हो सकता है, म्यूकॉइड डिस्चार्ज हो सकता है। अगर म्यूकॉइड डिस्चार्ज है तो इसका मतलब है क्रॉनिक एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, या फिर वो कहता है करेटो कंजक्टिवाइटिस सिक्का। क्या है करेटो कंजक्टिवाइटिस सिक्का, कहाँ पढ़ा है आप लोगों ने, किसको कहते ड्राई हैं, आई ठीक है, ड्राई आई सिंड्रोम को, ठीक है। तो उसमें भी म्यूकॉइड डिस्चार्ज होता है। नंबर थ्री बेटे, म्यूकोपर्लुएंट डिस्चार्ज जो कि मोस्ट कॉमनली पेशेंट आ जाता है, तो म्यूकोपर्लुएंट डिस्चार्ज कब होता है, कब होता है, आपको क्या लगता है किसमें होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, ठीक है। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर है, या क्लमीडिया भी एक बैक्टीरिया ही होता है, तो क्लमीडियल इन्फेक्शन में क्या होता है, पेशेंट को म्यूकोपर्लुएंट डिस्चार्ज होता है, सही है। और लास्टली हम लोग देखते हैं सिर्फ पर्लुएंट यानी पस कंटेनिंग डिस्चार्ज है, ओनली पर्लुएंट डिस्चार्ज है, तो ये ज्यादातर होता है गोनोकोकल इन्फेक्शन में, जो नाइजीरिया गिनोरी से हो रहे होते हैं, या बहुत सुवेयर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो सिर्फ पस कंटेनिंग डिस्चार्ज कर सकता है। तो आपको ये चीज समझ आई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जहां से आपके सिनेरियोस पे कोने हैं। वॉटरी डिस्चार्ज है तो आपने वायरल और एलर्जी सोचनी है, म्यूकॉइड है तो वो भी एलर्जी या ड्राई आई सिंड्रोम है, म्यूकोपर्लुएंट या पर्लुएंट है तो फिर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्लियर। सो ये चीज आपने बहुत अच्छे तरीके से अभी आगे भी बार बार करनी है। उसके बाद वो कहता है हम देखते हैं कि कंजक्टाइवा जो है ना उसका रिस्पॉन्स किस तरह से है। अब कंजक्टाइवा के अंदर जाहिर है कि किमोसिस होती है, रेडनेस होती है, डिस्चार्ज होता है, इरिटेशन होती है, वो तो होता ही होता है। लेकिन आज हम दो नई चीजें पढ़ने जाएंगे कि कंजक्टाइवा में इन रिस्पॉन्स टू दीज वायरल बैक्टीरियल और माइक्रोबियल और नॉन माइक्रोबियल इन्फ्लेमेशन दो तरह का रिस्पॉन्स आता है। एक बेटे हम लोग कहते हैं फॉलिक्यूलर कंजक्टिवाइटिस और एक को हम कहते हैं पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। फॉलिक्यूलर कंजक्टिवाइटिस में बेसिकली क्या होता है कि कंजक्टाइवा में ना
फॉलिकल्स अपियर होती हैं। अब ये फॉलिकल्स होती क्या हैं? ये बेसिकली वाइटिश सा स्लाइटली एलिविएटेड एरिया होता है, ठीक है, वाइटिश सी एलिवेटेड लीजन होती हैं, और ये बेसिकली सब एपिथीलियम से बनी हुई होती है और इनमें लिम्फोसाइट्स की ना कलेक्शन होती है। तो क्या होता है, ये लीजन होती हैं, एलिवेटेड लीजन होती हैं, सब एपिथीलियम कलेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट। और अगर हम पेपिलरी देखेंगे तो पेपिलरी में क्या होता है कि एक रेडिश एलिवेटेड लीजन होती है, बहुत ज्यादा रेड सी लीजन होती है, वो एलिविएटेड होती है, और ये बेसिकली किस चीज से बनी हुई होती है, हाइपरप्लास्टिक कंजेक्टाइवल एपिथीलियम से। यानी कंजेक्टाइवल एपिथीलियम ना ऐसे बहुत हाइपर प्लास्टिक हुआ है, यस गुड, ऐसे नोड्यूल सा बना हुआ होता है, सही है। और ये जो हाइपर प्लास्टिक कंजेक्टाइवल एपिथीलियम है बेटे, इसके अंदर हम याद रखते हैं कि एक फाइब्रोवास्कुलर कोर होती है, इसलिए ये बहुत रेडर लग रहा होता है, ठीक है। सो इसमें फाइब्रोवास्कुलर क्या होती है, कोर होती है, साथ में कुछ स्ट्रोमल इन्फिल्ट्रेशन और इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी होते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेपिलरी रिएक्शन कहते हैं, और इसको हम लोग फॉलिक्यूलर कहते हैं। तो जो फॉलिक्यूलर है वो आपने याद रखना है, वायरल की क्लियर कट इंडिकेशन होती है, और जो पेपिलरी रिएक्शंस होते हैं ये एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की क्लियर कट इंडिकेशन होते हैं, ठीक है। बाकी भी हम कुछ चीजें देखेंगे लेकिन ये मोस्टली है। तो मुझे एक बच्चा रिवाइज कराए कि कंजक्टिवाइटिस कितनी तरह से क्लासिफाई होता है, जल्दी से कितनी तरह से क्लासिफाई होता है बेटे, माइक्रोबियल और नॉन माइक्रोबियल, एक्सुडेट की बेस पे वॉटरी, म्यूकॉइड, म्यूकोपर्लुएंट या पर्लुएंट, और कंजेक्टाइवल रिस्पॉन्स की बेस पे आइदर फॉलिक्यूलर या पेपिलरी। पेपिलरी ज्यादातर एसोसिएटेड होता है विद एलर्जी। एलर्जिक रिएक्शंस, और फॉलिक्यूलर किसके साथ होता है, मोस्टली वायरल इंफेक्शन, ठीक है। ओके अब हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करना है माइक्रोबियल, और माइक्रोबियल में भी हमसे पहले सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियल। तो बैक्टीरियल में कैसा डिस्चार्ज होगा, कैसा डिस्चार्ज होगा, म्यूकोपर्लुएंट या पर्लुएंट डिस्चार्ज होगा, सही है। सो बेटे अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंजक्टिवाइटिस की, आपने क्लासिफिकेशन देखी, सो अब हम कंजक्टिवाइटिस को स्टार्ट करते हैं, और कंजक्टिवाइटिस में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को। वो कहते हैं कि जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है ये काफी ज्यादा कॉमन टाइप है, और ये जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है ना इसको फर्दर हम यहाँ पे तीन टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, सही है। नंबर वन वो कहता है कि इसके अंदर ऐसा हो सकता है म्यूकोपर्लुएंट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो आपको, ठीक है, म्यूकोपर्लुएंट हो। नंबर टू बेटे वो आपको कहता है कि ये क्या होगा, पर्लुएंट कंजक्टिवाइटिस होगा, और नंबर थ्री मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस है। तो बैक्टीरियल को फर्दर किस में डिवाइड किया हमने, म्यूकोपर्लुएंट, पर्लुएंट और मेम्ब्रेनस। तो आपको याद है म्यूकोपर्लुएंट है बैक्टीरियल, और पर्लुएंट क्या है, स्वेयर बैक्टीरियल या गोनोकोकल। तो हम यहाँ पे गोनोकोकल इन्फेक्शन के साथ इसको रिलेट करके पढ़ेंगे। और मेम्ब्रेनस में पता है क्या होता है, उसकी जो आंख है ना उसके अंदर मेम्ब्रेन डिपॉजिट होती है, और ये होती है डिप्थीरिया की वजह से, ठीक है, वाइट सी एक मेम्ब्रेन डिपॉजिट हो जाती है। मैं बुक से दिखाती हूँ, पहले पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं म्यूकोपर्लुएंट को। म्यूकोपर्लुएंट को हम पिंक आई भी कहते हैं, क्यों अभी हम देखते हैं। सो वो म्यूकोपर्लुएंट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के बारे में कहता है कि यहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है वो हो जाती है कंजक्टाइवा की। पेशेंट आता है, 2, 4, 3, 4, 5 दिन की हिस्ट्री होती है, साथ में क्या होगा, म्यूकोपर्लुएंट डिस्चार्ज होगा और पेशेंट की रेडर आई होगी। क्या तीन कंप्लेंट्स होंगी कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन है यानी सूजन सी है, और म्यूकोपर्लुएंट डिस्चार्ज हो रहा है डॉक्टर साहब, और मेरी आंखों में बहुत ज्यादा रेडनेस है। अगर मैं इस केस की इटियोलॉजी की बात करूं तो जाहिर है बैक्टीरियल इटियोलॉजी है। तो वो कहते हैं या तो ये इन्फेक्टेड पर्सन मेरे घर में किसी को था, उसने टॉवल यूज किया, मैंने टॉवल यूज कर दिया, तो वही इन्फेक्टेड सिक्रीशंस मेरी आंख में चली गई ना।